हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का चंदा ऑल इन वन चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया कार्डिगन डिजाइन लाई हूँ। मैं एक ये ब्लाउज बना रही हूँ, हाफ ब्लाउज या हाफ स्वेटर जो भी कहिए आप इसको। मैंने देखिए नीचे से ये वाला बॉर्डर डाल रखा है, इसमें देख नहीं रहा है, ये धागा चमक रहा है, रेशे वाला है। आगे से मैंने ये वाला डिजाइन डाल रखा है और पीछे मैंने पूरा प्लेन ही रखा है। तो आज मैं आपको ये बॉर्डर कैसे बना है, बहुत ही आसान डिजाइन है। सिर्फ पहले मैं आपको ये बॉर्डर बताती हूँ। ये बॉर्डर भी बहुत आसान है, सिर्फ दो फंदे उल्टे दो सीधे का ही बॉर्डर है ये। ये कैसे बना है मैं आपको दिखाती हूँ। एक फंदा हमने उतार लिया साइड का, फिर दो फंदे उल्टे बुने हैं, फिर ये दो फंदे सीधे सीधे बुनेंगे, लेकिन धागा सिलाई पीछे से डालते हुए धागा सिलाई के ऊपर से, ये दो फंदे हमको ऐसे बनाने हैं, धागा ऊपर से सिलाई के ऊपर से दो फंदे सीधे बनाए, फिर दो फंदे उल्टे, फिर ये सिलाई धागा सिलाई के पीछे से धागा ऊपर से डाला सिलाई के, ये सिलाई पीछे से और धागा ऐसे ऊपर से, फिर दो फंदे उल्टे, इसी तरह का हमारा ये बॉर्डर है। ऐसे बनाना है, पीछे से जो फंदे हमको जो यहाँ से हमने उल्टे बुने वो सीधे बुने हैं, जो वहाँ से यहाँ से सीधे बुने हैं उनको उल्टा बुनना है। इसी तरह हम ये बॉर्डर बना लीजिए आप। फिर मैं आगे आपको ये डिजाइन कैसे बनाया है ये बता। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक सिलाई उल्टी एक सीधी निकाल ली है। अब मैं आपको बताती हूँ ये डिजाइन कैसे बनेगा। ये एक फंदा मैंने इस उतार दिया है। अब हमको यहाँ से एक और ये दो 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 फंदे तीन फंदे हमने ये निकाल दिए, सीधे ही बुन लिए। इसके बाद हम डिजाइन शुरू करेंगे। ये तीन फंदे हैं, तो तीन फंदों को हम कैसे करेंगे, ये जो तीसरा फंदा है हमारा इसको हम ये दो फंदों के ऊपर से पलट देंगे और फिर पहला फंदा बुनेंगे और धागा आगे लाते हुए इसमें जाली डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने जो घटाया वहीं पर बढ़ गया, तो फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये पहले हमने एक फंदा उतारा, फिर तीन सीधे बुने, फिर तीन फंदों में से एक फंदा इनके ऊपर से पलटा और जाली आगे डाली, ये एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। यहाँ से फिर ये दूसरा डिजाइन शुरू हो गया, तीन फंदे सीधे, फिर वैसे करना है सेम, इस ये दो फंदों के ऊपर से तीसरा फंदा पलट देना है और ये एक फंदा पहले सीधा बुना, फिर धागा आगे और फिर ये जाली डाल दी। ये यहाँ से यहाँ तक ये छः फंदों का हमारा ये डिजाइन है। आपके जितने भी फंदे हो छः के हिसाब से आप डालना, सिक्स के मल्टीपल से चलता है ये। तो अब मैं फिर देखे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो ये तीन, फिर वही रिपीट करना है, ये तीन फंदों को ये दो फंदों के ऊपर से उतार देना है और एक फंदा सीधा बुना और धागा आगे और जाली डालते हुए एक दूसरा फंदा भी बुन देना है, फिर तीन फंदे सीधे, फिर वही रिपीट करना है हमको। बहुत ही आसान डिजाइन है, आप लगता बहुत सुंदर है। मैंने जब टॉप फाइव कार्डिगन दिखाए थे आपको, आपने देखी होगी तो वीडियो, उसमें मैंने एक गोल्डन कलर की कार्डिगन दिखाई थी लॉन्ग वाली, उसमें ये डिजाइन पर बनाया हुआ था। देखिए ये फिर दो तीन फंदे फिर सीधे बुन देंगे इस साइड से और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। इसमें उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी ही आती है। ये बहुत आसान डिजाइन है और बहुत जल्दी जल्दी हमारा ये डिजाइन बन जाता है। देखिए उल्टी सिलाई हम पूरी इसे उल्टी उतार लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम सीधी सिलाई में आगे एक फंदा उतार दिया मैंने। अब इसको बुन लूँगी, यहाँ पे दो फंदे बुनूँगी, पहले एक उतारा दो बुना। अब ये जो जिसमें हमने पहले ये जाली डाली थी, जाली से पहले वाला फंदा इसको और इधर का ये फंदा हम दोनों का एक करेंगे, यहाँ से घटाएँगे इसको, इसमें सिलाई डाली और इसको दो का एक कर दिया और धागा आगे, फिर ये जाली वाले फंदे पर हम एक जाली डालेंगे इस तरह और फिर धागा आगे, फिर दूसरी जाली, ये वाला इधर वाला फंदा है इसको सीधा कर लेंगे ऐसे,
और ये दो का एक कर देंगे यहाँ से, यहाँ से दो का एक कर दिया, फिर एक फंदा सीधा, फिर इधर दो का एक, ये हमने इधर ये एक इस साइड, एक इस साइड, ये अब बीच में तीन बज गए हमारे सीधे। फिर हम धागा आगे करेंगे, फिर ये जाली डालेंगे। सिर्फ चार सिलाइयों का डिज़ाइन है हमारा, ये चार सिलाई में हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए, इसको धागा आगे करते हुए जाली डाली, दो का एक किया, फिर एक फंदा सीधा बुना, जो हमने पहले तीन सीधे बुने से हमारे एक इधर से कट रहा है, एक इधर से, तो बीच में एक ही सीधा बुने बचेगा, ये इधर से एक इधर से कट गया। फिर धागा आगे, फिर जाली, फिर धागा आगे, फिर ये फंदा सीधा करते हुए इधर से जाली डाल दूंगी, फिर एक फंदा सीधा, फिर इधर से ये दो का एक, फिर धागा आगे करने, फिर यहाँ पे ये जाली वाले फंदे पे जाली डालेंगे, और ये फिर ये धागा आगे करते हुए ये फंदा, इधर वाला फंदा सीधा कर लेंगे, और इधर वाले फंदे के साथ इसको कटा देंगे, और ये एक फंदा सीधा, यहाँ पे दो फंदे सीधे आएंगे। ये हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, ये इसी तरह हमारा बनता है। ये उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी ही बनाएंगे, इसमें उल्टी सिलाई हर बार हमारी उल्टी ही बनाई जाएगी, कहीं भी कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये, मैं उल्टी सिलाई पूरी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, चार सिलाइयों का सिर्फ हमारा डिज़ाइन है। अब दोबारा हमारा एक कैसे डलेगा, हम सीधी सिलाई में आ गए, मैं बताती हूँ आपको। ये पहला फंदा उतारा, ये इधर के फंदे में बुनने, ऐसे ही बुनने पड़ेंगे साइड के, सीधे सीधे साइड के फंदे सीधे बुनेंगे, और जो उनमें जाली से बड़ा है ये भी हम सीधे सीधे ही बुनेंगे। ये तीन फंदे जाली के बीच के हैं हमारे, इनको हम सीधे सीधे बुनेंगे। अब जो जो एक इधर से घटाया, एक इधर से, इन तीनों में हमारा अगले बार ये जाली वाला डिज़ाइन बनेगा। इस बार देखिए, जो हमने पलटा था पहले, अब हम इस दोनों को पलटेंगे, इसको इसके ऊपर से, ये फंदा सीधा, और ये आधा डिज़ाइन हो गया हमारा, दूसरा डिज़ाइन शुरू हो गया यहाँ से, ये डिज़ाइन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, ये तीन फंदे सीधे, अब यहाँ से ये तीन को इसके ऊपर से पलट देंगे, ये दो फंदों को दो फंदों के ऊपर से इसको पलट दूंगे, और ये धागा आगे करते हुए, फिर यहाँ पे तीन ये जाली से जो बड़े हमारे उनको बना दूंगी। फिर इसके ऊपर से, तीनों के ऊपर से इसको पलट दूंगी। और ये बाकी ये फंदे, ये सब हम सीधे ही बुनेंगे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही निकालेंगे। देखिए फ्रेंड, अब मैं सीधी सिलाई में आ चुकी हूँ। ये अब हमारा कैसे होगा, ये इधर के फंदे तो हमें सारे सीधे ही बुनने हैं, जो सीधे थे उनको सब सीधे ही बुनेंगे, जो पहले हमने सीधे बुने थे। अब ये वाला फंदा सीधा नहीं बुनेंगे इसको, और इसको इन दोनों को कटाएंगे हम, ये जाली जो हमने पहले जाली से पहले जो हमने सीधा फंदा है उसका, और इधर से एक फंदा कटाएंगे उसके साथ, फिर धागा आगे जाली वाले फंदे पे एक जाली बनाएंगे, फिर धागा आगे, फिर ये जाली फंदा सीधा करते हुए जाली डालते हुए दो का एक करेंगे, फिर हमारा एक ही फंदा सीधे बचेगा बीच में जो पहले तीन थे, और इधर से भी एक फंदा घटा लेंगे, यहाँ पे जाली डालते हुए इसको फली सीधे करते हुए यहाँ पे दो का एक कर देंगे, यहाँ पे फिर ये दो का एक करेंगे, ऐसे धागा आगे डाल देंगे,
और जाली डालते हुए ये सीधा करते, इधर से भी ये फंदा सीधा ही बुनेंगे, बाकी फंदे हम सब सीधे ही बुनेंगे जो लास्ट के हैं, और उल्टी सिलाई पूरे उल्टी ही निकालेंगे। इसी तरह मैं उल्टी सिलाई सीधी सिलाई में बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस बार हमारी ये एक डिब्बी पूरी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ तीन एक बनेंगे तो ये एक हमारी डिब्बी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे इसमें दिख रहा है। इसमें ये तब दिख नहीं रहा, धागा चमक रहा है, तो ये ऐसी डिब्बी एक डिब्बी बन जाएगी। तो कैसे बनाएंगे मैं बताती हूँ आपको। ये पहला फंदा उतारा, ये सीधा, दो दो फंदे सीधे बुन लिए, तीन बुनेंगे सीधे, तीन सीधे बुन के ये तीनों तीनों को, इस बार ये डिजाइन हमारा इधर आ जाएगा, जो ये फली बनी है ये फली अलग फंदे को इधर पलट देंगे इसको, और ये फंदा सीधा और धागा आगे, और ये जाली डालते हुए फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, फिर इधर ये तीनों को पलटेंगे ये ऐसे करते हुए, और इसमें डिजाइन डालेंगे। देखिए हमारे एक डिब्बी बन चुकी है यहाँ पे, इसी से हमारा दूसरा डिजाइन शुरू हो जाएगा। फिर यहीं से देखिए ये तीन फंदे सीधे, फिर इसको पलटेंगे, बीच में तीन तीन सीधे करेंगे हम, और ये धागा आगे और जाली डालेंगे। तीन बीच में तीन तीन फंदे हमेशा हमारे सीधे आएंगे, और ये तीन फंदे पलटने हैं, तीन दो में से पलटने हैं, तीन फंदे पलटने हैं और तीन फंदे सीधे बुनने हैं। इसी तरह हमारा ये डिजाइन है, और साइड में ये तीन फंदे, एक उतारने दो सीधे बुनने, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। देखिए फ्रेंड, मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ। अब हम कैसे बनाएंगे, दो फंदे मैंने साइड के एक उतार लिया, एक बना लिया, इसको भी एक बना लूँगी। अब ये दो फंदे बच गए हमारे, तो इधर वाले फंदे के साथ इसको एक घटा लूँगी यहाँ पे, और यहाँ पे धागा आगे करते हुए जाली वाले फंदे पे जाली डाल लेंगे, और धागा आगे, फिर ये फंदा पलटते हुए इसको यहाँ पे भी जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे बीच में, फिर ये दो का एक करेंगे यहाँ पे, फिर धागा आगे, फिर जाली बनाएंगे जाली वाले फंदे पे, और फिर ये फंदा पलटते हुए इस तरह इसको बना देंगे। ये फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा इस बार हमारा एक एक ही सीधा बुना जाएगा। जब हमारा डिजाइन ख़त्म लास्ट होगा तो एक फंदा ही सीधा बीच में आएगा। ये देखिए धागा आगे करते हुए, एक फंदा सीधा। बहुत आसान डिजाइन है, बहुत सुंदर लगता है ये बन के। देखिए अभी यहाँ पे लास्ट में हमारे दो फंदे सीधे बच गए, तो मैं इनको बुन लेती हूँ, और उल्टा सिलाई पूरा उल्टी ही बुननी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे एक एक, एक डिब्बी, ये देखिए एक डिब्बी ये बन गई है, और आधी डिब्बी ये भी पूरी हो जाएगी। इस बार दो दो डिब्बी बन गई हमारी, ये डिब्बी भी पूरी हो जाएगी, ये भी यहाँ पे। तो ये अब हमारा अब ऐसे ही रिपीट करने जाना है। बहुत अच्छा लगता है, आप इसको किसी में भी डाल सकते हो, लेडीज जेंट्स किसी भी उसमें, हर प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा लगता है ये। कार्डिगन ब्लाउज, मैंने तो ब्लाउज में डाल रखा है, ब्लाउज में तो बहुत अच्छा लगता ही है, लेकिन लॉन्ग कार्डिगन में भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने दिखाई थी आपको टॉप फाइव कार्डिगन में, तो आप मैं उसका लिंक, आपने नहीं देखा तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। देखिए अब ये डिब्बी बंद होगी और नई डिब्बी शुरू होगी, तो यहाँ पे हमें ऐसे डालना है दोबारा, फिर ये तीन सीधे। तो आप किसी में भी आप इसको डाल सकते हैं, सब में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, और बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में, और बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। किसी में भी आप इसको बना सकते हैं। इसी तरह आप बना लीजिए। देखिए ये हमारी
दो दो डिब्बी पूरी हो चुकी हैं। इसी तरह बनाते जाइए, आपके जितने भी फंदे हो साइड में दो तीन फंदे सिलाई के लिए छोड़ दीजिए। मैंने चार चार फंदे छोड़ रखे हैं इसमें, साइड में देख सकते हैं चार चार फंदे सिलाई के लिए छोड़ रखे हैं, बाकी मैंने वैसे बना रखा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।